तू बन जा मेरी जोड़ी दारा। नजर ना लगा टके नी तू टिक लगा है काल काला। मैं परसों पहुंचू जो टकाटा खा रहा है यहाँ पर। बता दे गुलू क्या खा रहा पापा को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त रोहित सिंह बिष्ट और अभी हो रहे हैं सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अभी अपने घर पर हूं और यहां से हम लोग जा रहे हैं गांव। फुल फैमिली आज हम लोग गांव जा रहे हैं, विलेज अपने उत्तराखंड में, वहां पे एक शादी अटेंड करनी है, फुल मज़े करेंगे। और मैं बस अभी निकलना है आधे घंटे के अंदर यहाँ से और हम लोग तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर गाँव पहुँच जाएंगे। वहाँ पे शादी है कज़न ब्रदर की, वो अटेंड करनी है। तो चलो फिर अब चाय वाय पीते और निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पापा सामान पैक कर रहे हैं और यहाँ पे लुली भैया भी रेडी हो गए। गोलू का है, गोलू ये देखो गोलू कैसे रेडी होके आ गया है। गोलू हेलो बोलो गाइस को, बोलो हेलो गाइस। बोलिए सामान लेने आया हमारा ये नेपाली है वाले। ये ये नेपाली है, हमारा सामान खाने आया है। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। चलो फिर चलते हैं। दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे अभी भी ट्रैफिक देखो, सुबह के 4:30-5 बजे भी इतना ट्रैफिक हो रहा है। बताओ ये है दिल्ली। बोलो कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए कितनी धुंध यहाँ पे अभी हो रही है। ये मुरादाबाद यूपी के अंदर से हाईवे पे अभी हम खड़े टोल के पास और थोड़ा सा यहाँ पर सामान वगैरह सेट कर रहा हूँ मैं भी। और धुंध देखो कितनी हो रही है पीछे। बोलो कैसा लग रहा है, ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है। तो पापा अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं, मतलब रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच का जंगल है ये। रुद्रपुर हल्द्वानी के बीच जंगल है। हाँ, जानवर आते हैं। दोनों साइड जंगल है? दोनों साइड जंगल है, रात को यहाँ जानवर भी आ जाते हैं रोड पे। अच्छा, सुबह 5 बजे दिल्ली से चल के अभी 10:30 बज रहे हैं और हल्द्वानी पहुँच चुका हूँ। हल्द्वानी भी एक उत्तराखंड का कुमाऊं बेल्ट में बहुत बड़ा शहर है। तो अभी एक प्यारा सा यहाँ पे हॉर्न लिया है टी ब्रेक के लिए। तो फाइनली एंट्री हो चुकी है पहाड़ों के अंदर और मस्त स्मूथ रोड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, देखो पहाड़ों की क्या सुंदरता है। देखो देखो आज का दिन तो होली घर बना, आज का दिन तो होली घर बना, वो याद आली तो कहनी मेरे बिना, वो याद आली तो कहनी मेरे बिना। तो अभी आ गए हैं गर्म पानी और यहाँ पे फटाफट पेट्रोल डला लेते हैं। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं गर्म पानी। तो अभी पातली में यहाँ पे एक हॉल्ट लिया है और लंच करते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या है और पकौड़े वकौड़े रायता वायदा खाएंगे। पता था यही करोगे? बोलो तू खा ले वरना टाइम आने में, तेरे मुंह पानी आ रहा है। बोलो कैसा हो रहा है? पापा अभी कौन से लोकेशन पे हम लोग आ चुके हैं? हम हैं रानीखेत में। रानीखेत
जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड क्वीन ऑफ हिल्स। रानीखेत, क्या ब्यूटी है रानीखेत की। तो यहाँ पे देखो ये है सुंदर सुंदर सी ब्यूटी और आ चुके हैं घर पे। यहाँ पे पूरा डेकोरेशंस का काम चल रहा है और कल की पूरी तैयारी चल रही है शादी की। और ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा हमारी छत से दिखाई देता है। यहाँ पे हमारी नित्य दीदी डब मिठाई के डब्बे पैक कर रहे हैं। हाँ भाई जी, हो गए डब्बे सारे पैक। ए गोलू, गोलू अपनी शक्ल छिपा रहा है, गोलू शक्ल नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो मम्मी जी और ताई जी क्या कर रहे हैं, चाय बन रही है। यहाँ पर देखो गांव में इस तरह से चाय बनती है। यहाँ पर ये नया भी ताई जी ने किचन बनाया है। ताई जी कैसे हो आप? तो गाइस ये देखो, ये पुराना वाला मकान है और ये पीछे का पहाड़ और ये बस एरिया में रखा हुआ है सब्जियां जो कल काम आएंगी शादी में लंच और डिनर ब्रेकफास्ट के टाइम पे। पूरा लकड़ी का है ये एरिया। ये पुराना वाला मकान है, अभी जो है जो नया पत्थर का मकान बन चुका है वो आ चुका है इस साइड पे। और जिस और ये वाला जो है जिस साइड मैं खड़ा हूँ ये है पुराना वाला मकान। घर पे आए बाद में काम पहले बता दिया है। और ठंडी इतनी हो रही है यहाँ पर, पूछो मत, गजब की ठंडी हो रही है। फटाफट जा रहे हैं मार्केट, सामान लेके आते हैं। ये चलो, बाइक चलाने में हालत ऐसे खस्ता हो गई है, ठंड के मारे चेहरा गजब हो गया। हेलमेट इसने पहन लिया है ठंड से बचने के लिए, मेरे को ऐसे मार रखा ठंड में, आवाज नहीं निकल रही है। वाह 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 वाह, ये तो पहाड़ में ठंड और ओमो पार्टी हो रही है आज जुवाई की। चल फिर फटाफट स्टार्ट करो, निकलते हैं यार, ठंड बहुत लग रही है। सामान ले लेते हैं फटाफट और फिर चलते हैं। तो ये है गांव की हरी सब्जी और उसी के साथ है गढेरी, इसको कहते हैं हम लोग अरबी, अरबी और इंग्लिश में कहते हैं क्लोकाशिया। उसकी सब्जी बनी है देसी चूल्हे में, यहाँ पर गांव में खाना बनाया जा रहा है ताई जी और भाभी जी के द्वारा। ये हमारी उत्तराखंडी शान है, ये हमारी ये बाजरे, इसको जहाँ बाजरा बोलते हैं हमारे वहाँ बटवा बोलता है, और इसकी रोटी रात के अभी 7 बजे हैं, पहाड़ में 7 बजे खाना खा लेते हैं। देखो हमारी पहाड़ी शान है, इतनी अच्छी रोटियां बनती है इसमें, टेस्टी रागी की रोटी। ये रोटी सुंदर रोटी। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लिटरली टोपी वगैरह डाल के मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा ठंड है और खाना डिनर हो चुका है। चलो फिर। हाँ जी, तो अब टाइम हो गया है सोने का, सो जाते हैं, गुड नाइट। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे हो। See you. Bye bye. Love you. Take care. Thanks for watching RSV Vlogs.